हेलो सेवेंथ क्लास, आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी वीडियो फर्स्ट होगी चैप्टर 3 का, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग, ठीक है। सिक्स क्लास में आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि ऐसा चैप्टर सिक्स क्लास में भी था। और डाटा मीन्स क्या होता है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। डाटा मतलब होता है कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो नंबर्स में होती है, ठीक है। उस नंबर को हम एक कलेक्ट करते हैं और उसको अलग अलग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, वही डाटा होता है, ठीक है। और इसमें हमें कुछ ऐसे ही डाटाज दिए हुए हैं जैसे कि किसी की एज के, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर है, चाहे कितना बारिश हुआ है, ठीक है, तो उसका डाटा है, ठीक है। इन्हीं को ही कहते हैं डाटा। और फिर उसके हिसाब से जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बेस पे है। फिर हम उसमें से कुछ चीज़ें सीखते, निकालना मीन, निकालना एवरेज, निकालना रेंजेस, निकालना, ठीक है, लोएस्ट कोई चीज़, हाईएस्ट कोई चीज़, ठीक है, कि क्या है। जैसे इसमें टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ दिया हुआ है, तो ये सारे डाटाज़ हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, ठीक है। ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, मिनिमम टेम्परेचर कैसा, ये इन्फॉर्मेशन है आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो कितने कितने बीट्स लगे, ठीक है, ये है। अगर ऐसे ही डाटा शोइंग वीकली अब्सेंटीज़ इन क्लासेस, अब्सेंटीज़ की लगी है वीकली, कितने अब्सेंटीज़ हुए हैं, ठीक है, डेज वाइज वो है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? डाटा, ठीक है। और इसको फिर आपने बार ग्राफ में भी सीखा होगा, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि बार ग्राफ में कैसे इसको शो करते हैं किसी भी डाटा को, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। पर अभी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अब कलेक्टिंग डाटा। मैंने आपको बताया कि कलेक्ट करते हैं हम कोई भी रॉ मटेरियल, जब रॉ डाटा होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, फिर उसको हम अपने पर्पज़ के लिए अलग अलग ढंग से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिंग ऑफ डाटा, हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। फिर हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं उसको अच्छे ढंग से, नाम के साथ, ठीक है, कितना पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ, जब किसी डाटा को, जब तो डाटा तो ऐसे ही रैंडमली ले लिया जाता है, जब उसको फिर पर्टिकुलर तरीके से एकदम उसको शो किया जाता है ऑर्गेनाइज ढंग से, तो वो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा कहलाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर में आप सीखेंगे वो है मीन निकालना, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, या फिर उसको मीन भी कह सकते हैं, ओके। और इसको अगर आप कहना चाहें तो एवरेज भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि चाहे आपको एवरेज निकालने को आए, चाहे अर्थमेटिक मीन बोले, चाहे मीन बोले, तो जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी उसी तरीके से दिखेगा, उसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, पहले तो आप ये लिखेंगे टॉपिक, इंट्रोडक्शन में आप अर्थमेटिक मीन पे पहुंचेंगे क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, आपको सिक्स क्लास में मैंने सिखाया था कि इंट्रोडक्शन पर्टिकुलर कैसे तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले हम इधर डेफिनेशन लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ डाटा इज अर्थमेटिक मीन और अ मीन, ठीक है। हमें मालूम कि जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, अब हम कहते हैं ना कि जैसे सिक्स क्लास में कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसकी एज कितनी होगी, 10-11 के आसपास होगी, तो मोस्ट सूटेबल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम, पर एवरेज क्या लेते हैं हम कि हाँ 10 साल का कोई बच्चा सिक्स क्लास में होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि हाँ इतनी एज का बच्चा इतनी क्लास में होगा, उससे कोई एक दो बच्चा ज़्यादा भी हो सकता है, एक दो बच्चे की एज कम भी हो सकती है, पर एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कॉमन वैल्यू लेते हैं, उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला, और कुछ नहीं लिखना, यहाँ से फॉर्मूला है ये, द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि AM, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला लिखना है पूरा, ठीक है। मीन क्या होता है, ऊपर हम सबको ऐड करते हैं और नीचे जितने होते हैं उसको काउंट करके उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा मीन निकल जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अमित स्टडी करता है 4 आवर 5 आवर 3 आवर, ठीक है, तो हमने ऐड करेंगे, पहले क्या करेंगे, 4 5 3 सबको ऐड किया और ये टोटल है कितने, 1 2 3 3, ठीक है, और इनको ऐड करके जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आपने ये सिक्स क्लास में सीखा होगा, आपको अब याद आ गया होगा कि हाँ हमने मीन निकाला था ऐसे, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला लिखना इंट्रोडक्शन में भूलना नहीं, ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखना मत भूलना। अब हम अपने चैप्टर पर, अच्छा एक चीज़ और होती है रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं अभी बता देते हैं, एक्सरसाइज में हम देखेंगे, कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें से सबसे बड़े को, यानी कि सबसे ग्रेटर को सबसे स्मॉलेस्ट वाले से माइनस करने से क्या निकल जाता है, रेंज। जैसे कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 54 है,
सबसे बड़ा कौन सा है डाटा 54 है, और इसमें सबसे कम क्या है, अगर आप इसमें सबसे कम नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे तो 23 है, और जब 54 में से 23 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, और ये 31 ही रेंज होती है। ठीक है, आपको अब इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम पहुँचते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, की क्लास में किसी भी 10 स्टूडेंट की हाइट लो, 10 स्टूडेंट की 10 बच्चों की आपके फ्रेंड्स की, और उसका रेंज निकालो यानी कि सबसे लंबे बच्चे का जो हाइट है उसमें से सबसे छोटे बच्चे की हाइट को माइनस करके रेंज निकलता है। अभी मैंने बताया ना, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर दो, रेंज निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पहुँचते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलो फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये मार्क्स है 4, 6, 7, 5, 3, 4, ये सारे मार्क्स हैं बच्चों। ठीक है, क्या है, बच्चों के मार्क्स हैं किसी क्लास असेसमेंट में। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो हमें इस डाटा को देखना है। ये क्या है, डाटा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डाटा है पूरा। ठीक है, तो इस डाटा का यूज़ करेंगे किस लिए, ठीक है, किस लिए पर्पस, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बोला है विच नंबर इज़ हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स बड़ा। तो ये इसमें कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, करेंगे आप लोग खुद ही। ठीक है, तो आप ऐसे करके सारे के सारा डाटा जो भी है, मार्क्स हैं बच्चों के, वो लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन आप उतारेंगे, मार्क्स इन अ क्लास, इन अ क्लास क्या चीज़ है, असेसमेंट है, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट में हमारे, असेसमेंट में हमारे कितने मार्क्स हैं वो पहले लिख लेंगे, क्या क्या देखते हैं पहले लिखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन में तरीका बता दे रही हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मार्क्स जो बोला वो लिख लेते हैं। मार्क्स हैं 4, 6, 7, 5, कोई भी डिजिट भूलना नहीं। मैंने आपको कहा था कि अगर हम ऐसे किसी डाटा में से कोई डिजिट भूल जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। आपने 6 क्लास में किया था, ओके, तो इसको केयरफुली जो जो नंबर्स हैं उसको सबको अच्छे ढंग से साफ साफ लिखना है। ठीक है, और भूल गए हैं तो इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, तो इधर भी हम देख लेते हैं कि हम भी कोई नंबर भूल गए हैं या नहीं। ठीक है, भूले हैं नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि सारे नंबर्स। तो आप भी कन्फर्म हो जाना कि कोई नंबर हम भूले तो नहीं। ठीक है, अब है आंसर फर्स्ट, आंसर वन बोला है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो नंबर इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, कोई अगर देखेंगे तो 9 है सबसे ज़्यादा, 9 से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे नाइन इज़ द हाईएस्ट नंबर। और बच्चा आप यही बस ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ पर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगी कि क्वेश्चन लिखना है। तो पहले डाटा लिखा हमने, फिर क्वेश्चन लिखा क्या है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, तो आंसर फिर उसके बाद क्या है, 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर। आप भी क्वेश्चन लिखना नहीं भूलेंगे ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इधर लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, सिर्फ आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर टू का लिखना है। आप भी ऐसे मत छोड़ आना, नहीं तो बच्चों ने ऐसा किया हुआ था और काफ़ी बच्चों ने कि ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, बच्चों ने ऐसे छोड़ दिया था क्वेश्चन का स्पेस ऐसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है पर्टिकुलर, नहीं तो पता नहीं चल पाता कि कौन से क्वेश्चन का आपका आंसर है और नंबरिंग गलत होती है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहा है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। ठीक है, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे कम नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 2, क्योंकि 1 तो है नहीं, 1 जो छोटा होता, तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, वन इज़ द लोएस्ट नंबर। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब पूछ रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड में पूछा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। ठीक है, रेंज मैंने आपको बताया, थर्ड क्वेश्चन आप उतारेंगे, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, बार बार कह रही हूँ, अब नहीं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि फिर
आप लोग छोड़ के आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रेंज पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? रेंज। ओके, रेंज में से क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट नंबर में से, हाईएस्ट नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे लोएस्ट को, माइनस करेंगे लोएस्ट नंबर को। ठीक है, अगर आपके आगे स्पेस हो तो नंबर भी वहीं लिखना। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा? हाईएस्ट हम निकाल चुके 9, और लोएस्ट कौन सा है? 1। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस किया तो आ गया 8। तो 8 हमारा क्या हो गया? रेंज। अब समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन को फर्स्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, मैं अब आप समझाऊंगी सीधे सीधा आपको कि करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर। ठीक है, आपको मालूम है होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो क्वेश्चन उतारेंगे, आंसर मैं बता दूँ। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। बोला था पहले 5 लेने हैं और हमने ले लिया, 0 से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर्स हो गए, 0 को भी काउंट करिए, 5 नंबर्स हो गए। अब हमें इसका निकालना है मीन। क्या पूछ रहा है? बोला हुआ है मीन निकालिए। ठीक है, तो मीन निकालने का तरीका आपने 6 में सीखा था, बाकी इसमें भी मीन। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सम ऑफ, क्वेश्चन लिखवा दे रही हूँ, सम ऑफ ऑल होल नंबर्स जो हमने लिए हैं। ठीक है, कितने लिए हैं? 5 लिए हैं ना, उन सबको ऐड करेंगे, नीचे नंबर ऑफ टोटल होल नंबर्स, टोटल होल नंबर्स। ठीक है, टोटल होल नंबर्स। ठीक है, तो डिटेल के लिए लिखेंगे मीन में सम ऑफ ऑल होल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो सम ऑफ, हमने क्या लिया था? सम करना है, ऊपर सबको ऐड करना, हमने यही लिया था ना, हमने यही लिया था। और नीचे कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 है। हमने 5 लिए थे, ऊपर ऐड किया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके आपका आएगा 10। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो 10, और डिवाइड करना 5 से, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मीन, ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आप फटाफट देखते चले जाते हैं। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गया, 4 देखते हैं। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 10 इनिंग्स। ठीक है, इतने इतने रन उन्होंने किया है, 10 बार खेला होगा, फाइंड द मीन स्कोर, फाइंड द मीन स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, पहले ऐसे ही आप क्वेश्चन उतारेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और बस मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ कैसे। अब डाटा लिखना, जो डाटाज हैं वो भूलना मत लिखना, वो लिख लेना क्वेश्चन। अब मैं आपको सिंपल सिंपल बना के दे देती हूँ। जैसे अगर मीन निकालना है तो आप सेंटेंस क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल रन्स, हम सभी रन के सम्स निकालेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ कि आखिर कितनी बार खेला है, नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, बुक से देख लेना, स्पेलिंग्स वगैरह प्रॉपरली लिखना अगर इसमें वीडियो में आपको समझ नहीं आता है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे? सारे नंबर्स जो भी हैं, कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 10 हैं, यही नंबर्स आपको क्वेश्चन में 58 लिखा हुआ है ना, ये सारे नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ठीक है, अगर ये जगह आपकी नहीं बचेगी तो नीचे लिख लेना ऐसे +30 + 50। ठीक है, सबको अपॉन में क्या लिखना है? कितने? 1, 2, 3, 4, ये पूरे टोटल 10 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 480 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 48। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम एज
सेम एज क्वेश्चन नंबर टू की तरह है कि ये मार्क्स हैं किसी बच्चे के, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क बताना है, बता देना कि कितने किसके कम हैं सबसे ज़्यादा और किसके ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव होमवर्क है। रेंज कैसे निकालेंगे बेटा आप? रेंज निकालेंगे सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करके। सबसे बड़ा है 95 और सबसे छोटा यहाँ कहीं ना कहीं 39 निकलेगा, ठीक है? तो रेंज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन की तरह है। और मीन निकाल लेंगे, ठीक है? मीन में क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और अपॉन में डालेंगे कितने हैं ये, उनको गिन लेना, ठीक है? जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है आई थिंक। तो आप अच्छे से कैलकुलेट करके सबको ऐड करना, नीचे 12 और ये। क्वेश्चन नंबर फाइव आपका होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर फाइव तक आप लोग करेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है? जो भी मैंने आपको बोला है उसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे, बाद में देखेंगे।